देखिए दोस्तों, आज है गणतंत्र दिवस। तो हम अपने देश के आन बान शान के लिए हम बनाएंगे तिरंगा के। तो एक बाउल लेंगे, वाम दूध एक कप डाल देंगे और हम अभी 100 ग्राम ऑयल रिफाइंड डाल देंगे और 2 चम्मच लेमन जूस। सब तीनों डाल करके स्मूथ हम फेंट लेंगे और डाल देंगे हम शुगर पाउडर, वो भी 1/4 कप, ये भी डाल करके हम फेंट लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह न रहें, हमारे केक अच्छे से फूले। मैदा तो हम 1/4 कप लेंगे, एक चालन लेकर के हम छान लेंगे ताकि अच्छे से ये स्मूथ छन जाए और जो कचड़ा वगैरह रहे वो साइड में रख देंगे। हम डालेंगे मिल्क पाउडर 1/2 कप और 1 चम्मच हम डालेंगे बेसन, 1/2 चम्मच हम डालेंगे नमक। डाल करके हम सब तीनों छान लेंगे और ये स्मूथ हम बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम दूध थोड़ा थोड़ा डाल करके और मिक्स करेंगे क्योंकि हमको स्मूथ डो बनाना है केक के लिए। जितना अच्छे से स्मूथ बनाएंगे उतना अच्छे से केक फूलेगा। और एक केक टिन लेंगे, हम ऑयल लगा करके मैदे को डस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा मैदा हम निकाल देंगे। तो देखिए अभी हम एक पैकेट इनो लिए हैं, छोटा पैकेट है और इसेंस वनीला एसेंस है, वनीला एसेंस केक बना रहे हैं। तो 2 चम्मच हम डाल देंगे और इसको भी मिला लेंगे, तो अच्छे से स्मूथ मिला लेंगे। हम इनो डाल देंगे और उसके ऊपर से हम डालेंगे 2 चम्मच दूध। दूध डाल के एक्टिव होने के लिए दूध डालते हैं। तो देखिए हम डाल करके मिक्स करेंगे और ज़्यादा मिलाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि केक टिन तैयार करके रखे हैं, करके हम तुरंत केक टिन में डाल देंगे। ज़्यादा मिलाएंगे तो उसका एयर बबल्स वगैरह निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, केक टिन में हम डाल देते हैं और अच्छे से हम टाइट कर देते हैं। तो देखिए अभी हम टाइट कर दिए हैं, प्लेन हो गया। तो इधर हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, तो देखिए एकदम प्री हीट हो गया है। तो हम एक टॉवल से उतार देते हैं सावधानी दे करके, क्योंकि जल अभी हम रिंग डाल देते हैं और अपना केक रख देते हैं। तो अभी ऊपर से हम एक थाली रख देते हैं ताकि चारों तरफ से पैक। और अभी हम चेक कर लेते हैं, 45 मिनट के लिए हम रखे थे लो टू मीडियम गैस पर, तो अभी चेक किए तो थोड़ा सा गीला है, तो फिर से हम रख दिए हैं 5 मिनट के लिए। तो देखिए अभी हम चेक कर लेते हैं फिर से केक बेक हो गया है कि नहीं। तो अभी हम चाकू से फिर से दिखाते हैं और ये देखिए चाकू पूरा एकदम सूखा निकला है, तो हमारा केक बेक हो गया है। अभी हम निकाल लेते हैं बाहर केक को और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ठंडा होने के बाद में हम देखिए केक तो अच्छे से छोड़ दिया है केक टिन, लेकिन हम थोड़ा सा चाकू इधर से घुमा देते हैं। पक करके केक एकदम ढीला हो गया है तो हम घुमा देते हैं ताकि और आसानी से निकलेगा। तो हम एक प्लेट लेकर के केक को पलट देते हैं, तो देखिए हमारे कितने अच्छे प्यारे केक बन करके तैयार हुए हैं और निकल गए हैं। तो थाली में से हम पलट करके दिखाते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से फूला है केक और कितना अच्छा लग रहा है देख करके। ऐसा लग रहा है कि मार्केट का बनाया हुआ केक है और बेस तैयार हो गया। तो चलिए अभी हम व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो व्हिप कर लेते हैं क्रीम को, फिर क्रीम है तो उस व्हिप कर लेते हैं और एक धागा ले करके हम अभी हम धागे के सहारे 3 पार्ट्स करेंगे 3। और ये देखिए ऊपर का पार्ट्स हम अभी निकाल दिए हैं और एक देखिए थोड़ा सा 1 चम्मच हम लगाएंगे व्हिप क्रीम और उसके ऊपर से हम
रख देंगे केक और शुगर सिरप लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। और तो देखिए व्हिप क्रीम और चॉकलेट सिरप मिक्स करके हम पहले लेयर पर हम डाल देंगे। इससे केक बहुत ही टेस्टी लगता है। दूसरा लेयर रखेंगे तो उस पर से हम व्हाइट क्रीम लगाएंगे। तो देखिए चारों तरफ से हम लगा लेंगे व्हिप क्रीम और तीसरा पार्सल रख देंगे, उसके ऊपर भी वही व्हाइट ही व्हिप क्रीम लगा देंगे। अच्छे से हम चारों तरफ से गोल गोल घुमा करके केक को फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग देंगे चारों तरफ से, ताकि हमारा केक दिखने में बहुत ही सुंदर लगे। और तिरंगा केक बनाना है दोस्तों तो तीन भाग करना है, व्हाइट और ग्रीन केसरिया। तो देखिए केसरिया अभी हम लगा दिए हैं, बीच में गैप छोड़ेंगे और अभी हम ग्रीन लगाएंगे। केक बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।